कुरुक्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल आज पांचवें दिन भी जारी रही। कर्मचारी नेता जहां नए बस अड्डे के समीप धरने पर बैठे, वहीं राजनेताओं की बात की जाए तो वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा भी हड़ताली कर्मचारियों को समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत कर समस्या का समाधान कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि जनता भी हड़ताली कर्मचारियों के साथ आ गई तो फिर सरकार का बंटाधार होने में टाइम नहीं लगेगा। कुछ बसें चल रही हैं, कुछ अपना रोडवेज की या कुछ जो निजी हायर की बसें चल रही हैं, वो लगभग पब्लिक को सुविधा देने के लिए चला रखी है। अगर किसी पे स्टाफ नहीं उपलब्ध है ना, तो उस पे हमने एक टेम्परेरी अरेंजमेंट करके चला। सब ने सरकारी, अगर बसों की बात की जाए तो सरकारी कितनी चल रही है और जो हायर की है वो कितनी चल रही है? अब हमारी हायर बसेज जो है अराउंड अबाउट 20 चलती थी, और सोसाइटी की बसें भी हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वो भी 103 है। तो अपनी जो 123 बसें हैं, 103 के अलावा और भी जो सोसाइटी के एक्स्ट्रा कुछ गाड़ियां जो है पब्लिक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरटीओ ऑफिस के द्वारा अरेंजमेंट किया गया था। हाँ जी बिल्कुल, 103 के अलावा ही चल। 103 के अलावा जिले की बात है, पूरे जिले की ले रहे हो? 103 के अलावा और आप कह रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा भी सहकारी बसें हैं? हाँ बिल्कुल, जो वो कितनी? वो ऐसे है ना, जैसे कोई लॉन्ग रूट पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए जा रहे हैं, तो वो भी उसमें ऐड होगी। अच्छा, कुछ जैसे यहाँ की सोसाइटी की बस है, कैथल का चक्कर मारती है, या कैथल की सोसाइटी की बस यहाँ आती है, यमुनानगर की इधर आती है, तो उसी जिलों की जो है, हाँ वो सारी मिला के लगभग जो है 103 बसें बनती हैं सोसाइटी, तो वो मिला करके। यहाँ कितने परमिट है कोऑपरेटिव बसेस के कुशेंद्र जिले में? यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं लगभग 32 के करीब, परमिट 32। कुछ स्कूली बसें भी चलाई? हाँ, स्कूल कॉलेज से भी लेके कल चलाई थी 20 के लगभग। तो क्या हायर की हुई है? क्या रिक्विजिट की हुई है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पब्लिक की सुविधा को ध्यान में? और आज कितनी चल रही है बसें? उनमें से आज चल रही है 6 गाड़ी हमारी चल रही है और 16 गाड़ी हायर की हुई है, स्कूल की जो बस है 16 चल रही है। और रोडवेज की कितने रूट पे? 6। कल कितना कैश आया जी कुरुक्षेत्र जिला? मिनिस्टर है कोई भी सरकार रही, कर्मचारियों के प्रति नरम रवैया अपना के हड़ताल को समाप्त करने में सरकारों का बड़ा योगदान रहा, लेकिन ये मुख्यमंत्री या ये सरकार एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने ना त्योहारों को देखा, ना ये देखा कि जनता कितनी परेशान होगी। जितनी बार पहले भी हड़ताल इन्होंने की, इनको झूठे वायदे देकर हड़ताल खत्म करा दी। यदि सही बात शुरू में ही करके कुछ न कुछ ऐसा काम जिससे इनका भी काम चल जाए और सरकार का ही ऐसा काम करा होता, तो आज ये जनता को जो तराई तराई होगी है, जो सरकार की बदनामी हुई है, ये इस तरीके से ना होती। तो मैं ये देखते हुए कि सरकार किसी तरीके से भी जो पिछला उन्होंने वायदा किया था कर्मचारियों से, ये भी आखिर हमारे ये सब भाई हैं, सब कबीलदार हैं, तो जब ये इतना लंबा इनका संघर्ष देख के, और जो आज उस सरकार के नुमाइंदे ने बुलाया है, मैंने लगता नहीं भी सरकार मतलब मान जाए। अगर जो ठीक है बातचीत हो जाती है बड़ी अच्छी बात है, अगर जो बातचीत सिरे चढ़ती है, अगर नहीं चढ़ती है तो बातचीत उसके बाद ये अनिश्चितकालीन हो जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। ये जो लगातार 5 दिन तक हड़ताल जारी है, इस हड़ताल को जो है हमारे एसए साहब ने खुद कराया है, तमाम किस्म की जो उत्पीड़न की कार्रवाई एसए साहब ने कराई, एक आईएएस अधिकारी ने पूरी जो सरकार भाईजय किया हुआ है, हम उसकी गौर निंदा करते हैं। हम सरकार से और मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि वो स्वयं जो है सरकार नई भर्ती कैसे करती है, अप्रूव्ड जो सैंक्शन पोस्ट है, सैंक्शन पोस्ट पे जो कर्मचारी है जिनके अभी तक जो है हड़ताल में बैठे हुए हैं, सरकार या तो अप्रूव करे, पोस्टें अप्रूव करे, तभी भर्ती कर सकती है। तो डरावना देरी है सरकार कि नहीं भर्ती करेंगे और बच्चों की